हाँ, आज एक तरफ अपने सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नजरिए के मानों को देखकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। वहां अपने एक बावफा साथी और दरीना दोस्त मुशाहिदुल्लाह वफात पर भी बहुत रंजीदा हूं, जिन्होंने तमाम उम्र बड़ी बहादुरी और जुरतमंदी के साथ सिविल बालादस्ती का अलम उठाए रखा। मुझे याद है कि जब मैं अडयाला जेल में होता था तो वो मुझे हर हफ्ते में एक दफा मिलते थे, और उनका शायराना जौक जेल में भी मेरा हौसला बढ़ाता था, और जेल में सुनाए उनके चंद शेर आज भी मुझे याद है। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। ये उनका एक शेर है जो कि मुझे अक्सर याद आता है। और फिर उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम लीग का साथ दिया और आज हमसे जुदा हो गए हैं, उनकी वफादारी और कमिटमेंट को हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके फर्जंदे अर्जुमंद डॉक्टर अफनानुल्ला खान आज सेनेट के मेंबर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हम सबके लिए बायस फख्र है। और ऐसे अनमोल साथी और नायाब लोग नसीब से मिला करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और अफनानुल्ला साहब को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं इस मरहले पर हमजा शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हमजा ने जिस जुर्रत और जवानमर्दी से झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में 20 माह जेल काटी है, वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन है। और मैं इस बहादुरी पर हमजा को दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं। ख्वातीनों हजरात, आप जानते हैं कि जो जुल्म मौजूदा हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब पर और ख्वाजा आसिफ पर ढाया है, और जो हमारे कारकुनों पे और कायदीन पे ढाया है, और जिस तरह से वो बड़ी हिम्मत और इस्तकलाल के साथ इस जुल्म का मुकाबला करते रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को भी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी जल्द सुरखुरु फरमाए। और जबर और इंतकाम के इस दौर में हुकूमत के जुल्म और सितम सहते हुए, कैदो बंद की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए, कारोबारी नुकसान उठाते हुए, अपने नजरिए के साथ आप सबका जुड़े रहना कोई मामूली बात नहीं है। मैं आप सबको जो कायम और दायम रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं।
खवातीनों हजरात, कल सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी साहब की फतह पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और गिलानी साहब की फतह इस बात की अक्कास है कि इमरान खान और मौजूदा हुकूमत ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। अब वो जो मर्जी कहें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, रेजोल्यूशन पास करना है, ये करना है, वो मैदान में भी हार चुके हैं, कराची से लेके खैबर तक, बलोचिस्तान उसमें शामिल है, और वो ऐवान में भी हार चुके हैं, और ऐवान के साथ साथ अवाम में भी हार चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान के लिए एक लम्हा भी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे रहना का कोई जवाब नहीं है, और अपना इखलाकी जवाब खो चुके हैं। वो उन्हें फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए ताकि 2.5 साल से गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की चक्की में पिसने वाली अवाम सुख का सांस ले सके। आपकी जमात का नजरिया वोट को इज्जत दिलवाना और अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम करवाना है, और इसी नजरिए पर हम और हमारी जमात के तमाम साथियों ने कदम से कदम मिलाकर चलने का अजम कर रखा है। मैं आपकी हिम्मत, हौसले और जुरत को सलाम पेश करता हूं, और आपकी जमात को तोड़ने की साजिशें मुशरफ के आमराना दौर में भी हुई, मगर क्या मुशरफ का जबर और जुल्म हमें तोड़ सका? नहीं, नहीं तोड़ सका, बल्कि पहले से ज्यादा कुव्वत और अजम के साथ पाकिस्तान में आवाम की खिदमत के लिए हम लोग 2013 में फिर आए, और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एशियाई ममालिक में मुआशी कुव्वत बना दिया, और G20 में शामिल होने के लिए तेजी के साथ सफर शुरू किया, और बैन अक्वामी रिपोर्ट ने उसकी तस्दीक की है। और आप जानते हैं, पाकिस्तान में लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, सड़कों और मोटरवेज का जाल बिछाया, कराची में बदअमनी को खत्म किया, कराची की रोशनियां बहाल की, दहशतगर्दी का खात्मा किया, मगर अफसोस इस बात का है कि तरक्की और खुशहाली की राह पर चलते हुए मुल्क को सिर्फ इसलिए तबाही और बर्बादी की दलदल में फेंक दिया गया कि कुछ लोगों को नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता, और इसी बुगज की वजह से उन्होंने इंतखाबात चुराए और एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर उसको बिठा दिया। इस सिलेक्टेड ने 2.5 बरस में मुल्क का जो हाल कर दिया है, वो मेरी बहनों और भाइयों आपके सामने है। आज इस अहम इजलास को बुलाने और आपसे गुफ्तगू करने का मकसद आपके हौसले और हिम्मत को दाद देना है कि इस जद्दोजहद के पहले मरले में आप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं, और वोट को इज्जत दो का पहला नारा, जानते हैं आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लगा, इस नारे के अमीन और मुहाफिज हैं। आपकी मेहनत और पुरजम किरदार की वजह से आज ये नारा 22 करोड़ अवाम के दिल में घर कर चुका है। अवाम ने जिंदगी इंतखाबात में अपना इंडिया दे दिया है। ये हुकूमत
अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड हुकूमत की डस्का में एक बार फिर धांधली की कार्रवाई आंखें खोलने के लिए काफी है। जहां प्रिजाइडिंग अफसर अफसरान को अगवा कर लिया गया, थैलों को जाली वोटों से भर दिया गया, अगवा शुदा प्रिजाइडिंग अफसरों के पोलिंग स्टेशन में वोटिंग की शराब 35% से बढ़कर 85% कर दी गई। अंदाजा करें आप, 2018 इलेक्शन चोरी का तरीका वारदात दसका में फिर दोहराया गया, जिसे पार्टी के बहादुर जानसार कारकुनों ने इंक्लूडिंग राणा सनाउल्ला शदीद धुंध के बावजूद उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये आपके अजम, आपकी हिम्मत और जुरत से मुमकिन हुआ कि अब पूरी कौम जान चुकी है कि 2018 के इंतखाबात को भी इसी तरह चोरी किया गया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि कैसे चांद आयन शिकनों ने फैसला किया कि एक ऐसे मोरे को जितवाना है जिससे वो अपनी मर्जी की चालें चल सके। लिहाजा वोट चोरी करके एक नाहल और ना तजुर्बाकार और नालायक आदमी को कौम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। इन आइन शिकनों ने जो किया है, आज 22 करोड़ अवाम उनसे पूछ रही है कि क्यों तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बर्बाद कर दिया गया, क्यों खुशहाली का पहिया जाम किया गया और क्यों उनके बच्चों से नवाला छीनकर फाकों की तरफ धकेला गया, क्यों उनसे रोजगार छीना गया, क्यों बिजली के रेट दुगने से भी महंगे कर दिए गए, वो बिजली का बिल कहां से दें? अवाम सवाल पूछ रही है कि क्यों पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदमनी की गहरी खाई में फेंक दिया गया। सवाल पूछ रही है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के गरीब अवाम कि आटा, चीनी, घी, दालों और सब्जियों जैसी बुनियादी जरूरियात जिंदगी की कीमतें क्यों दुगनी हो गई हैं? और सवाल पूछ रहे हैं वो वालदैन जिनके बच्चे दवाई ना मिलने से बिलक बिलक कर मर गए और मर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं वो बेबस माँ बाप जिनके पास बच्चों की फीसें अदा करने के लिए पैसे नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं डिग्रियां जलाते हुए वो नौजवान जिनको 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया। सवाल पूछ रहे हैं 50 लाख घरों के इंतजार में बैठे हुए लोग कि वो घर कहां है। एक तरफ व्हाट्सएप पर JIT बनाकर झूठे मुकदमात बनते हैं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं होती और एक धेले की करप्शन साबित ना होने के बावजूद बेटे से फर्जी तनख्वाह लेने पर वजारत से फारिग कर दिया गया और दूसरी तरफ बिलियन ट्री मालम जब्बा और BRT की मंसूब कौम के अरबों रुपए हड़प कर गए। फॉरेन फंडिंग में रसीदें मांगी गई तो खामोशी, अलीमा खान की अरबों की जायदाद की रसीदें मांगी गई, खामोशी, बनीगाला और जमान पार्क की रसीदें मांगी गई, खामोशी, और जनरल आसिम सलीम बाजवा से अरबों रुपए की जायदादें की रसीदें मांगी गई तो खामोशी।
मुझे फख्र है जमहूरियत के कारवां की, जो मशाल आपने थामी है। अब इसकी फैलती हुई रोशनी में हर जी शूर ये पूछता नजर आता है कि आपका काम मुल्क के दफा को मजबूत बनाना था या पीटीआई को जितवाना, आपका काम सरहदों की हिफाजत करना था या पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाना, आपका काम दुश्मन की चालों पर नजर रखना था या आरटीएस को फेल करवाना, आपका काम आईन का एहतराम करना था या जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टाना, आपका काम अपने हल्फ की पासदारी करना था या रियासत के ऊपर रियासत बनाना। मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान को अगर हकीकी जमहूरियत के रास्ते पर डालना है, अगर यहाँ आइन की हुक्मरानी होनी है, अगर यहाँ सारे मामलात महजब जमहूरी ममालक की तरह दस्तूर के मुताबिक चलने हैं, तो उन कुव्वतों को अपना रवैया तब्दील करना होगा जो जमहूरियत और रियासती निजाम को बार बार पांव तले रौंदते हैं। आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अपने दिल से पूछकर बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। आप मुझे जवाब दें कि क्या वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, क्या आईन तोड़ने वालों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, क्या कानून की धज्जियां बखेरने की इजाजत दे देनी चाहिए, क्या अवामी नुमाइंदों को रुस्वा करने वालों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। मैं उन सब आईन शिकनों और उनको तहफ्फुज़ देने वालों को बता देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ का बयानिया, हमारा बयानिया, माशाल्लाह अब कौम का बयानिया बन चुका है, कौम के दिल की आवाज बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ चुका है कि इस राह में आने वाली हर रुकावट को अवाम अब अपने पांव की ठोकर से उड़ाकर रख देंगे इंशाल्लाह। अब वोट को इज्जत दिलवाने की जद्दोजहद का फैसला कुन मरला आ चुका है और अल्लाह ताला के फजलो करम से इस मरले में भी इंशाल्लाह आप सुरखरू होंगे। आप सब माशाल्लाह अवामी नुमाइंदे हैं, आप अवाम से बराह रास्त राबते में रहते हैं, आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है कि अवाम की हालत दार क्या है। ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप भी अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं कि अवाम आपसे अपनी बदहाली का जिक्र करती है या नहीं करती, क्या आप उनके चेहरों पर फैली मायूसी देखते हैं या नहीं देखते। इस नाहल हुकूमत ने जो महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है, जहां आम आदमी का जीना दोबर हो चुका है, पेट्रोल और बिजली के नरकों में हर चंद दिन के बाद इजाफा ने अवाम को कुचल के रख दिया है, और जब महंगाई के सताए दुहाई देते हुए सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा करते हैं, तो ये जालिम उन पर एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल फेंकते हैं और उनको जान से मार देते हैं। ऐसे इंतजामी जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप नहीं करेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह। क्या आपके हलके के आवाम, आपके वोटर आपसे सवाल नहीं पूछते कि वो इस महंगाई के तूफान में अपने बाल बच्चों को खाना कहां से खिलाएं, उनकी जरूरियात जिंदगी कैसे पूरी करें। एक पेज पर होने का दावा करने वाले
अवाम को जरा बताएं कि क्या उनके एक पेज पर होने से गरीब का पेट भरा। आप सब मेरे साथी और दस्तों बाजू हैं, आप भी अब इस फैसला कुन मरले के लिए तैयार हो जाएं जो अब आगे आ रहा है। और मेरे भाई और बहनों, मैं इस गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी, गरीब दुश्मन, नाहल और करप्ट सेटअप पर आवाज उठाना अपना फर्ज समझता हूं, इबादत समझता हूं और इस कौमी फर्ज की अदायगी का बेड़ा मैं अल्लाह ताला के फजल करम से उठा चुका हूं। और इंशाल्लाह आप और कौम के साथ मिलकर इस अजीम मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी ना कभी पहले दरेक किया है ना आइंदा करूंगा। और आपने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं है बल्कि दिलेरी के साथ आगे बढ़ने का है। और कमजोर दिल अफराद भी इस तारीखी मोड़ पर दिल बड़ा करें और ये ऐद करें कि ना हमें अंग्रेजों की गुलामी कबूल थी और ना ही इन आइन के गद्दारों की गुलामी कबूल है। हमें तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े नजर आना चाहिए। हमें अपनी इज्जत नफ्स पर कभी कोई समझौता नहीं करना। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आपकी तरफ बढ़ने वाले हर हुकूमती जबर और जुल्म को पहले अपने सीने पर लिया, अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी पहले पेश की। लेकिन आपके लिए 22 करोड़ अवाम के हकूक के असूल के लिए कभी एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटा। अब सब इस बात के गवाह हैं कि मैं अपने मौकफ से रत्ती बराबर भी ना बतौर वजीर आजम पीछे हटा और ना इंशाल्लाह कभी हटूंगा। मैंने तो अपने हिस्से का दिया जला दिया है। अब आप इस पैगाम को पाकिस्तान के तूलु अर्ज में फैलाने की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते। और अगर हमने इन आइन शिकन किरदारों का रास्ता ना रोका तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अवामी जोश जज्बे को साथ मिलाकर इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरे अख्तियार या मेरे जाती इख्तियार का मुकदमा नहीं है। ये आपके वोट को इज्जत देने का मुकदमा है, ये आइन की पासदारी का मुकदमा है, ये कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की फरामी और आइन की बालादस्ती का मुकदमा है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखना चाहता हूं कि जो आसन इकबाल ने आपको अभी रोड मैप दिया है उस पे कब तक, उस पे कैसे आप अमल दरामद करते हैं। और 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को आप किस तरह से कामयाब कराते हैं, ये मैं आपके जज्बे पे छोड़ता हूं। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपकी मेहनत और आपके कोशिशें जरूर रंग लाएंगी और पाकिस्तान बदलेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान को जो ये बीमारियां लगी हुई हैं, इन सब बीमारियों से हम जान छुड़ाने से में कामयाब हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, आपने मेरे कदम से कदम मिलाकर चलना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।